हेलो दोस्तों, स्मार्ट कॉटेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमने क्विकली और सिंपल सा एक सीमेंट का पॉड बना के दिखाऊंगे। दोस्तों मैंने दो प्लास्टिक कंटेनर लिया, एक छोटा और एक बड़ा। पहले दोनों को मैंने ऑयल देके स्लीपर कर लेता हूँ। लगाना दोस्तों कंप्लीट हो गया। दोस्तों पहले से मैंने बाली और सीमेंट इधर मिक्स करके रखा था, इसको पानी देके मैंने गीला भी कर लिया। तो दोस्तों शुरू करते हैं सिंपल सा सीमेंट पॉट मेकिंग। तो दोस्तों इधर मैं वाटर ड्रेनेज के लिए होल रखने के लिए मैंने थोड़ा सा मिट्टी ले लिया, इधर रख देता हूँ वाटर ड्रेनेज के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे तैयार होते हैं सीमेंट का पार्ट। Thank you.
दोस्तों इधर कुछ ऑयल रखना पड़ेगा, तो दोस्तों कुछ ले आते हैं। तो मेरे पास 2 किलो का बाट है, मैं इधर का ऑयल रख देता हूँ, ये अच्छा होगा। चलिए दोस्तों ये ख़त्म करते हैं सीमेंट का पार्ट। ये ख़त्म हो गया और बहुत अच्छा हुआ। दोस्तों 24 घंटा बाद ये बराबर सूखना हो गया, तो मैं ये बाट उठा देता हूँ। ये ऊपर का जो प्लास्टिक कंटेनर मैं इसको उठा दूँगी, क्योंकि इधर पानी डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों ये उठा देता हूँ मैं इसको। दोस्तों ये उठ गया और बहुत अच्छा हुआ। अंदर तो देख रहे हैं दोस्तों, अंदर बहुत अच्छा हुआ। दोस्तों इसमें पानी डालना पड़ेगा, तो दोस्तों मैंने पानी डाल देता हूँ ये कूलिंग करने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं इसमें पानी डाल दिया। तो दोस्तों 5 दिन के बाद ये पूरा पूरी रेडी हो गया, कूलिंग हो गया, टाइट भी हो गया। तो इसको नीचे का प्लास्टिक कंटेनर उठाने के लिए इसका पानी को ड्रेन करना पड़ेगा, तो इसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका नीचे का प्लास्टिक कंटेनर कैसे उठाते हैं।
ये प्लास्टिक कंटेनर उड़ गया। अब देख रहे हैं दोस्तों ये पॉट बहुत खूबसूरत हुआ। दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत अच्छा भी हुआ। मैंने इधर जो मिट्टी दिया था वाटर ड्रेनेज के लिए वो मैंने साफ कर लिया। दोस्तों आप देख रहे हैं इधर एक वाटर ड्रेनेज के लिए होल भी हो गया। बहुत अच्छा हुआ और बहुत बढ़िया भी हुआ। चाहे तो आप इसमें कलर कर सकती है, कलर कर दिया तो बहुत अच्छा लगेगा ये पॉट। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट शेयर करके बताना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।